आज जनरेटर उमर का सॉन्ग लो। पहले किसने प्रपोज किया था? माशाल्लाह वाला किया है ना, तो देख के मुझे अब साथ आज। फाइनली आई एम रेडी और आज है 10:05, तो गेस करें कि आज मैं जा कहाँ रहा हूँ। आज भी मैं लेट हो चुका हूँ और अभी मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर में पहुँचूंगा। आज जनरेटर उमर का सॉन्ग लो। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने रास्ते में, मेरी दोस्त आके वेट कर रही है। उसको पिक करने के बाद आई मूव टू शैगीज। तो मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूँ, ब्लॉग पूरा देखिएगा। इसी के साथ साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि कैसे इंतजाम हुए हैं। बहुत अच्छे हुए में अभी कोई भी नहीं आया हुआ, सिर्फ अली भाई आए हुए और मुझे सब फोन करके कहते हैं कि हम पहुंच गए। मेरे साथ हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। आज का सवाल जो मैं कपल से करने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे बहुत ही एक बेचैन और एक इंतजार करते हुए शख्स मिले हैं। उमर भाई किसका इंतजार कर रहे हो आप इतनी देर से? मौत का आ रही है, कब आएगी? कम से कम 10-12 लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, हीरा ने भी ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, सारे ही ब्लॉगर इकट्ठे हुए हैं। जब से पता लगा यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो गाइस वन मोर गुड न्यूज, आज शैगीज के अंदर लगा हुआ है बुफे। मोस्टली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब आ चुके हैं। मैंने कब का शुरू किया हुआ है? अच्छा जी, ये मोबाइल कहाँ से है? मोबाइल मेरा। ये मोबाइल कहाँ से है? ये मोबाइल एप्पल मैन। ये मोबाइल किसके है? मेरा। नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, ये लो। ये कहाँ से है मोबाइल? ए अली ने लग देता। मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है इस दुनिया में, उसका नाम है ये रहा मिस्टर अब्दुल्ला। और मिस्टर अब्दुल्ला मुझे एक बात था, जब पहली बार तुझे प्यार हुआ था, तुझे किसने पहले प्रपोज किया था? लड़की ने या तूने पहले प्रपोज किया था? तो प्यार नहीं हुआ। झूठ बोल रहे, इसको हुआ है। इसका मुंह देख लें आपको पता लग जाएगा इसको प्यार हुआ। देख लें मेरे मुंह पे क्या लिखा है, मुझे प्यार हुआ है। मुझे प्यार नहीं हुआ तो इस वजह से मैं सिंगल हूं। और ये मुआज है, मेरे दोस्तों ने उम्मीद है कि मुआज ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया। खैर छोड़ें, मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई मेरी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की आएगी। अपेक्षा जो देख रहे वही लड़की रहूँगी। ये सिगरेट मेरे नहीं है, ये मुझे उमर भाई ने पकड़ाए हैं, उनके सिगरेट है, मैं संभाल के रखूँगा। जन्नत आप भी आ चुकी हैं और उमर भाई भी आ चुके हैं। मैंने ना इसे टैक्स के लिए जो रिश्वत लिया ना वो मैंने लेनी है अभी। यार इतने ज्यादा व्लॉगर इकट्ठे हुए हैं। ये तीन पोर्ट्रेट्स हैं, ये अलिशबा भी, जन्नत आपी और अफान भाई का पोर्ट्रेट है। उमर भाई और फायजा भाभी आप दोनों से एक सवाल है जी, आप लोगों ने बताना है कि आप दोनों में से पहले किसने प्रपोज किया था दूसरे में से? आपने? माशाल्लाह। और आपने 10 एक्सेप्ट कर लिया था? 6 महीने। इतना तो बनता है। विद इन 2 मिनट्स अभी सॉन्ग लॉन्च हो जाएगा, तो वेट कर रहे हैं। सब चीज़ें रेडी हैं। 3, 2, 1 इट्स आउट फाइनली। अमर कहाँ हो यार, मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ। तो यार मैं नहीं आ सकता जन्नत। क्यों करना चाहूंगा जन्नत का, उमर का, अरबाज का। अली के शावला सीन रिक्रिएट होने लगा। अलिशबा भी और अफान भी से पूछेंगे कि उनको सॉन्ग कैसा लगा। अलिशबा भी सॉन्ग कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत आला सॉन्ग। एफर्ट कैसी थी सबकी? सिंगर्स ही चले एवरीथिंग। उसने जिन्होंने एंड पे ये वाला किया है ना, तो देख के मुझे रोना आ। आप साथ आ जाओ। कैसा लगा आपको सॉन्ग? बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आया यार। हाँ। और इसके अलावा आपको जन्नत आपी और उमर भाई की एफर्ट कैसी लगी है सॉन्ग में? मुझे एक्टिंग बहुत पसंद आई है दोनों की, आपको कैसी लगी? ओवरऑल सब टीम की एफर्ट बहुत ज्यादा थी और गाना मैसिव सक्सेस होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खास तौर पे इंशाल्लाह। जो पीसा अवार्ड मिला था जन्नत आपी को, जो उन्होंने वॉन किया था, वो कमल आपी ने आज दे दिया है जन्नत को फाइनली। और अवार्ड भी देखते हैं। फिलहाल तो डॉली का कुछ भी सीन नहीं, लेकिन जब आपका सीन था तो पहले किसने प्रपोज किया था? ऑब्वियसली उधर से ओ अभी ब्रेकअप है ना।
गुड हो गया, ये बेस्ट है। मेरे सामने दो ऐसे रिलेशनशिप वाले बैठे हैं जिनका रिलेशन हलाल है माशाल्लाह। तो हमारे बाल पता है कैसे लग रहे हैं, वो छोटे थे हमें, हाँ वो जॉनी ब्रावो, हाँ वो वाली बॉडी नहीं है, बाकी बाल में वैसे वो बॉडी वो है। ये बहुत बहुत रात के 2:30 बजे प्रैंक कॉल्स करता है। फिजा भाभी, आपका और मुनीब भाई का जब रिलेशनशिप हुआ था तो आप दोनों में से पहले किसने किसको प्रपोज किया था? आपने पहले कन्फेस किया था? वाओ, ना करो, नहीं तो फिर कैसे माने? फिर मैंने कहा मैं अपनी जान ले लूंगी, फिर कहता है किसी ना किसी से तो करनी है, जरूर तुमसे कर लेता हूँ। फिर मेरी जायदाद के पीछे मुनीत ने मेरे से शादी की। जायदाद के पीछे? सो ग्रीडी ब्रो, मानी है फिजा मानी। जायदाद के पीछे मुनीत ने मेरे से शादी की और मेरे घर वालों ने जायदाद से आग कर दिया। सो सैड यार, ये तो बहुत प्रैंक हो गया। अच्छा ना करो जी, वैसे ऑनेस्टली पहले किसने किसको प्रपोज किया था? आपने तो उनको किया था ना, आपका तो पता है मुझे, लेकिन आपने पहले एक दूसरे को इकट्ठे 3-2-1 आई लव यू। मेन जो आज के बंदे हैं वो सामने है। अच्छा जन्नत आपी और उमर भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सॉन्ग की, ठीक है। एक सवाल मेरा जो आज मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों में से पहले किसने कन्विंस किया था, कन्फेस किया था दैट? माशाल्लाह यू आर ब्रेव गर्ल। प्यारा ही बहुत था अभी। थोड़े से मेहमान रह गए, जैसे ही वो चले जाएंगे तो इंशाल्लाह रोटी खुल जाएगी और फिर हम खाना खाएंगे। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े बेवफा दोस्त होते हैं इस दुनिया में, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं। बेवफा प्यारे ही होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, सारे बेवफा प्यारे होते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं उनके। आपकी बात कौन कर रहा है, आपको तो मैंने वैसे ही यूज की है। और रोटी खुल गई, खाना खुल गया और आप देख सकते हैं सब चीजें छोड़ के सब लोग इधर आ चुके हैं। खाने में बहुत सी चीजें हैं आज, शादी का खाना नहीं है, आराम आराम से खाओ, काफी लोग बैठे हैं। ओके आज मैं आपको अपने दो बेस्ट फ्रेंड से मिलवाऊंगा, एक मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड और एक मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड। ये रहा मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अब्दुल्ला और ये रही मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड द मोस्ट फेमस। आप सब जानते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो कि ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसा ही है और आज मेरे ब्लॉग में, अब आफरीन के कहने पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया। आप सब पूछते थे कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, तो वो शी इज़ द रीज़न एंड ही इज़ द रीज़न। थैंक यू, अल्लाह आपको हमेशा मेरे साथ सलामत रखे और आप लोग मेरे साथ ही रहो। वैसे मेरे साथ रहोगे तो सलामत नहीं रहोगे। जब आपने मेरे 14 तारीख को 1,00,000 रुपया दे रहा ना, हाँ वो 14 को हो गया, मैं गवाह बना हुआ था। अभी 14 को इसने मुझे खुद मैसेज किया कि उमर भाई 14, मैंने खुद 14 का किया यार। इस गाने के जो प्रोड्यूसर है और हमारे यंग जनरेशन के सबसे बेस्ट म्यूजिशियन अरबाज भाई, अरबाज गाने तो बिल्डिंग बेबी, दिल मोड़ देगा। म्यूजिक जो है करा भाई ने, लिखा आपके भाई ने, और बिहाइंड द कैमरा मोआज, ग्रेट ब्रदर टू मी एंड यस। और ये सिर्फ एंड नहीं है, अभी 11 और सॉन्ग्स आ रहे हैं, 11 और गाने हैं, सारों के सारे म्यूजिक कमाल होने वाला है, एक से एक गाना कमाल। बाय द वे मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस सॉन्ग, बाय बाय, सी बाय बाय। ओके भाई यार, पीसा अवार्ड जन्नत आपी का जो उन्होंने वॉन किया था बेस्ट टिकटॉकर का। इसे मैंने बुलाया नहीं था, फिर भी आ गया, बाय बाय बाय। मुझे जन्नत आपी ने बुलाया था, बुलाया था ना आपने? हां जी, थैंक यू सो मच। म्यूजिक बाय बाय, यहाँ पे होता है आज का ब्लॉग दी एंड। अभी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ डिनर पे, उम्मीद है आप सबको ब्लॉग आज का बहुत मजा आया होगा। तो आगे जो आपने करना है वो आपको बताएगा मेरा दोस्त। चैनल पे नहीं हुआ तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लास्ट।